तो अभी हम लोग पारादीप के आसपास आ गए हैं, आपको ये ट्रक देख के पता चल रहा होगा। वेलकम टू इफको पारादीप यूनिट। स्वेटन का 2000 वाट डाला है, ये डुअल सब है, 1500 वाट का स्पीकर डाला है, 2000 वाट का चार बेस डाला है, इसके ऊपर दो बेस। तो कल रात बहुत ज्यादा डिले हो गया, वहां से हम लोग आ गए केंद्रापड़ा में एक होटल में रहने के लिए। कल का और कुछ मैं सूट ले नहीं पाया क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका था। 9 बज गए हैं, हम लोग निकलेंगे पारादीप के लिए और वहां पे लगभग हम 10-10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर वहां पे जो जगन्नाथ रिमिक्स है उनका एक सेटअप है, तो उनका सेटिंग करेंगे। मैं आपको उनका भी सेटअप दिखाता हूँ, उन सेटअप में क्या लगा है और किस तरह से उन्होंने अरेंज किया था और हम लोग उसमें क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल्स बताऊंगा, और उसमें क्या प्रोडक्ट लगे हैं वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। कंटिन्यू रहिए, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं इस होटल से, हम लोग 106 में ठहरे थे, यहाँ से देख सकते हैं। कल जब हम इस लिफ्ट पे चढ़े थे वो आधे में अटक गया था, ये लोग खोले और बहुत मुश्किल से। ये है इनका पार्किंग और ये है होटल। अभी हम लोग चलेंगे अपने गाड़ी के पास, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से केंद्रापड़ा। चलिए, ये लोगों का भी ख़त्म हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा सा ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं। निकलते निकलते कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप एक डीजे सेटअप चला रहे हैं ताकि आपके माइंड में आइडिया रहे। आप अगर एक सेटअप रेडी कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट ठीक है अपने हिसाब से खरीद लिया है, लेकिन अपने स्पीकर की कनेक्टर्स, वायरिंग, स्पीकर केबल, ये सबको बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज कीजिए। मैनेज कीजिए का मतलब ये है कि उसका प्रॉपर वायरिंग कीजिए, साथ में उसके लिए जितना अच्छा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप केबल्स कनेक्टर ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आप चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर आपका वो चीज़ें सही नहीं है तो आपको कभी भी एक बेहतर रिजल्ट सुनने को नहीं मिलेगा। हमेशा आपको लगेगा कि थोड़ा सा कुछ और है जो बन सकता है आपके सेटअप में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपका जो मतलब एक शरीर में जैसे होता है ना वेंस, नाड़ी वगैरह बोलते हैं, तो वो अगर सही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं चल रहा है, तो आपका शरीर जैसे अच्छा मतलब फिटनेस आप रख नहीं पाएंगे, वैसे ही अपना सेटअप का भी फिटनेस आप रख नहीं पाएंगे अगर आपके पास एक प्रॉपर स्पीकर केबल, जो भी XLR केबल्स है वायरिंग्स करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक केबल भी जो आप DG से ले रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आपको पहले प्रॉपरली मैनेज करना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बिना मतलब कुछ भी नहीं है। आप इलेक्ट्रिक केबल यूज़ कर रहे हैं तो उसको उतार के फेंक दीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डालिए, अच्छा प्रोडक्ट डालिए, फिर देखिए आपका सेटअप कैसा बज रहा है। अभी हम लोग पारादीप के आसपास आ गए हैं, आपको ये ट्रक देख के पता चल रहा होगा, काफी ज्यादा जाम रहता है पारादीप में। अभी लगभग 10:30 बज गए हैं और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं वहां पे, पहुंच के फिर आपको सेटअप दिखाते हैं और ये व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं पारादीप में और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इफको, वेलकम टू इफको पारादीप यूनिट लिखा है, मतलब इफको का प्लांट है।
अभी हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक बार पहुँच जाएं फिर उनको बोलेंगे कि आउटडोर में लेके चलते हैं और सेटअप का टूर पहले दिखाएंगे और उसके बाद फिर आपको सेटअप भी दिखाएंगे। तो ये है एक सेटअप और ये भी है एक। अभी हम लोग इस सेटअप का सेटिंग्स करने वाले हैं, चलिए इसको खुले जगह पे लेके जाते हैं। सो अभी हम लोग थोड़ा सा खाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये महानदी है और थोड़ा सा आगे जाके ये समंदर पे मिक्स हो रहा है और बाकी यहाँ पे ये इसी के मतलब आसपास कहीं पे हम सेटिंग्स करेंगे। तो अभी चल रहे हैं हम लोग लगभग और 1 किलोमीटर के बाद हम रुकेंगे, वो लोग आ रहे हैं सेटअप लेके। एक बार वो लोग आ जाएं फिर सेटअप के अंदर क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ पे समंदर में मिक्स हो रहा है आगे में देखिए पास आ गया है, वहाँ पे रुकेंगे और थोड़ा सा आपको इसका व्यूज दिखाते हैं। ये देखिए महानदी के पास है हम, नीले गगन के तले धरती दा प्यार बले। चलिए चलते हैं, क्या खूबसूरत है चीज, मतलब ये मतलब हाँ ठीक है उसी अरे का दो डबरा करे चिकनिया का दो बुझ बलो नहीं ये ओतला खुश होने। अगर मुझे तैरना आता तो मैं थोड़ा सा आगे कूद जाता, ज्यादा तैरना नहीं आता। ये मछली बस इसको लगा के डालेंगे और भेकी माछ पकड़ेंगे, हमें 10 किलो का देंगे बस। सो ये है जगन्नाथ रिमिक्स और आप यहाँ पे सेटअप देखेंगे तबाई मॉडल और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका डिज़ाइन और सारपी जो है स्टान का है अंदर में और साइड में जो है वो बाइशुन का है, देख सकते हैं ऊपर में कुछ ब्लाइंडर्स लगे हैं और नीचे में सबवूफर क्या लगा है वो हम इनके ओनर जो हैं इनके साथ बात करेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे इस सेटअप में क्या क्या लगा है। बताइए भैया इस सेटअप में नीचे में क्या आपने डाला है? जय जगन्नाथ, नमस्कार। स्वेटन 2000 स्वेटन का 2000 वॉट डाला है, ये डुअल सब है ऑन लोडेड मॉडल और इसमें एक में दो डाला है तो ऐसा दो है और ऊपर में ऑन लोडेड मॉडल है उसमें आपने क्या डाला है? 1500 वॉट। अच्छा तो इसमें जो है ये इन्होंने 1500 वॉट का स्पीकर डाला है, कैबिनेट जो है वो A+ का है, बाकी ऊपर में टॉप है, साइड में आप देख सकते हैं कुछ आहूजा का मॉडल है और बीच में कुछ मॉडल है, ये टॉप है। टॉप में कौन सा स्पीकर है? वो भी स्वेटन का, स्वेटन का स्पीकर है। अच्छा, दो स्पीकर और एक HF वाला टॉप है, दो डाला हुआ है और साइड में आहूजा का मॉडल है। हाँ, आहूजा का मॉडल डाला है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं एम्पलीफायर में इन्होंने क्या डाला है। यहाँ पे एक महिंद्रा का PG है और गाड़ी जो है ये आइसर का है, आइसर का 1049 मॉडल VS4। चलिए अंदर चलते हैं। 40 kV सिंगल फेज 40 kV पावर ऑल महिंद्रा की तरफ से है। तो बाकी आप मिक्सर देख सकते हैं, डायनाटेक का DDJ3 है
और यहाँ पे जो DSP है वो है एरोंस का DSP 2x6। इसका पहले भी एक बार हमने सेटअप किया था, बाकी इन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किया है। अभी इन्होंने Beta 3 8004 एम्पलीफायर भी डाला है। एरोंस का CA 8502i मॉडल है, साउंड स्टैंडर्ड CA20 है, और यहाँ पे एरोंस का HD 7001 है, और यहाँ पे आहूजा का एक एम्पलीफायर है PTZ 10000 और आहूजा का 5000 EM मॉडल। तो इसके ऊपर जो है वो कुछ आहूजा का चलाएंगे HF वगैरह के लिए, बाकी इसके ऊपर बेस डाला है ना। हाँ, इसके ऊपर 2000 वाट का 4 बेस डाला है, इसके ऊपर दो बेस है, इसके ऊपर दो टॉप है जो बीच वाला मॉडल है, और इसके अलावा इसमें भी दो बेस डाला है। तो चलिए पहले एक बार हम सुन लेते हैं और फिर जो भी इम्प्लीमेंट चाहिए होगा वो एक बार ट्रायल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग लगभग 11 बजे सुबह में आए थे, लेकिन अभी रात के 8 बज चुके हैं, अभी भी वो सेटअप करेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि रीजन ये है, मैंने जैसे ही इस वीडियो में केंद्रापड़ा होटल में निकलने से पहले आपको बताया था, केबल कनेक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सेटअप के लिए। वही प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। अभी इनके पास थोड़ा सा केबल कनेक्टर का प्रॉब्लम था, उसके बाद फिर हम उसको करेक्शन करने के लिए काफी ट्राई किए हैं। फिर उनका एक दूसरा सेटअप था, वहां से हम लोगों ने कुछ XLR केबल्स वगैरह मंगवाए हैं, उसके बाद जाके ये कंप्लीट हो पाया। नहीं तो अगर इनके पास और कोई केबल कनेक्टर नहीं होता तो काफी और भी टाइम लग सकता था, इसको फिर सोल्डर करना वगैरह काम लग जाता एक्स्ट्रा। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, मैं थोड़ी देर में आपको सेटिंग दिखाऊंगा और थोड़ा सा टेस्टिंग भी सुनाऊंगा। तो आप टेस्टिंग देखिए, सुनिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। आप लोगों की वजह से मैंने इतना टाइम के लिए, मतलब लगभग ये कितना मिनट हो चुका है मुझे पता नहीं, अभी ये टेस्टिंग फिर भी चल रहा है। बाकी आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे काफ़ी सारे सेटअप के अलावा हम प्रोडक्ट्स रिव्यू भी लेके आने वाले हैं आपके लिए, और प्रोडक्ट रिव्यू में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल हम ऐड करने वाले हैं जो शायद आपको कभी पता हो या ना हो, लेकिन वो नॉलेज भी आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए सेटअप के पास चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था और किस तरह से हमने करेक्शन किया, वो सारी चीज आपको बताएंगे।
कल रात 5 बजे हम लोग पहुंचे घर पे। ये जो सेटअप था इनका काम खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका जो स्पीकर केबल है और जो भी XLRs वगैरह है वो सारे मतलब अभी कोई काम के नहीं है। उसकी वजह से गेन जो है वो काफ़ी कम मिल रहा था, तो मैंने उनको सजेस्ट किया है वो एक बार स्पीकर केबल और XLR वगैरह बदल ले। तो हम लोगों का एक दो दिन में और एक बार पारादीप के लिए टूर है, उस टाइम में जो थोड़ा बहुत काम है स्पीकर केबल्स और XLR सारे बदलने के बाद, तो वो हम लोग उसी टाइम में क्लियर कर देंगे। लगभग आधा घंटा लगेगा और वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी आज मैं निकल रहा हूँ और एक सेटअप के लिए, आज रात को पहुँचेंगे, दो सेटअप है वहाँ पे भी, क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।